यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। टीवी 9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ है जाने माने एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुश हो रहिए, सुखते रहो। हर आम आदमी का सपना होता है कि वो एक दिन अपना बिजनेस शुरू करेगा, पर ऐसा नहीं है कि हर कोई अपना बिजनेस शुरू कर सकता है या उसमें अपना हाथ आजमा सकता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि किसी ने कारोबार तो शुरू कर लिया लेकिन वो कारोबार फलता ही नहीं। क्या आप जानते हैं कि हर व्यक्ति के ग्रह उसके व्यवसाय करने की अनुमति नहीं देते? कुंडली में मौजूद ग्रह हमें बताते हैं कि हमें कौन सा कारोबार करना चाहिए और कौन सा नहीं। आपको कौन सा कारोबार शुरू करना है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ जानेंगे आज की राशि के पूरे दिन का हाल भी। गुरुदेव, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, कोई कपड़ों से जुड़ा कारोबार शुरू करना चाहता है तो उसके लिए कौन सा ग्रह देखें, कौन से योग देखें, और अगर वो शुरू करना ही चाहता है तो उसके लिए वो क्या उपाय करें? बेटा, कपड़े का व्यवसाय दो तरह का होता है। एक, पहले आपने, खैर छोटे बच्चों ने तो ये नाम नहीं सुने हुए, लेकिन बड़े सबने सुना है, बजाजी का काम, यानी कि थान रखना, अनसिला कपड़ा रखना और बाद में उसको सिलाई करवा के देना। ये एक जो काम होता है ये चंद्रमा से रिलेटेड होता है और इसके लिए जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा का शुभ होना बहुत ज़रूरी होता है। और मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनका चंद्रमा अगर शुभ नहीं है तो उन्होंने बजाजी का काम कर लिया है, ठीक है, या उनके मन में आ रहा है। तो ऐसी अवस्था के अंदर अगर आप चंद्रमा का ये कार्य शुरू करने लगे हैं, अगर आप वृद्ध आश्रम में जा कर के चावल और चीनी देते हैं और वहाँ पर पाँव लगा करके उन वृद्धों का आशीर्वाद लेके आते हैं, ये आपके काम को बहुत बढ़ाने वाला है। अगर आप यही चावल और चीनी और मिश्री वगैरह, दूध वगैरह ये मंदिर के अंदर देते हैं, ये आपके काम को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है। और इसके साथ ही अगर आप अपनी माता का, दादी का, नानी का पाँव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेते हैं तो ये आपके काम को बहुत बढ़ाएगा। और जिस किसी ने भी बजाजी का काम करना हो वो चांदी की कुछ डिब्बियाँ बना ले, उन डिब्बियों के अंदर माँ से चावल भरवा के वो अपने पास रखे, दादी से चावल भरवा के वो अपने पास रखे, नानी से चावल भरवा के वो अपने पास रखे। तो ये चंद्रमा को मजबूत करने के सारे उपाय हैं। अगर ये करते हैं, अगर आपके ग्रहों में मान लीजिए बजाजी का काम नहीं भी है तो तब भी आपको ये काम नुकसान नहीं देके जाएगा, कुछ ना कुछ फायदा देके जाएगा। तो ये हुआ बजाजी का काम। फिर आता है रेडीमेड कपड़ों का काम। रेडीमेड कपड़ों का काम ये शुक्र से संबंधित देखा जाता है और ये शुक्र प्रबल हो तो रेडीमेड का काम, खासतौर पे शादी विवाह के कपड़े, पार्टियों के कपड़े, इनके लिए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और रेडीमेड या तो कैजुअल के लिए यूज़ होता है या वाकई में शादी विवाह पार्टियों के लिए ही रेडीमेड कपड़े मिलते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर शुक्र को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। तो शुक्र को मजबूत रखने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कि नहाने वाले पानी में थोड़ा सा केवड़ा ये मिला करके रखें, परफ्यूम डियो ज़रूर लगाएं, प्रेस किए हुए कपड़े पहने, अपने बिस्तर की चद्दर और तकियों के लिहाफ कहीं कटे फटे और दागदार ना हो, इससे शुक्र मजबूत होता है, परफ्यूम डियो लगाने से मजबूत होता है। और जो सबसे बड़ी बात, जो ब्याहता जोड़ा होता है और ब्याहता जोड़ों में जो खासतौर पर फीमेल होती है, अगर उनको इंसान पतीसा खिलाता रहे, पतीसा बृहस्पति की वस्तु होती है तो और मंगल मिश्रित होती है, पतीसा अगर ये खिलाता रहे और नए ब्याहे हुए लोगों को पतीसा खिलाना, उनको गिफ्ट देना उनको, लेकिन परफ्यूम का गिफ्ट ना देना, समझे, इस चीज़ से अगर बचाव रखता है तो ये काम के अंदर और तरक्की कर सकता है। और बहुत ज़्यादा तरक्की करनी हो तो ऐसी अवस्था के अंदर आपको गाय की सेवा पकड़नी चाहिए और गाय की सेवा रोज करना। लेकिन बहुत सारे लोग आटे में गुड़ लगा करके गाय को दे देते हैं, लेकिन जो रेडीमेड कपड़े का काम करते हैं वो हरा चारा, किसी भी प्रकार का हरा चारा अगर गाय को दे तो ये उत्तम होगा। लेकिन अगर वो आटे के पेड़े में गुड़ लगा करके गाय को देंगे तो ये रेडीमेड काम का दुश्मन बन जाएगा। तो
तो इसीलिए इस चीज से बचाव रखें और गाय को हरा चारा देते रहें। रेडीमेड कपड़े का काम बहुत अच्छा चल रहा है। गुरुदेव, मेरा आपसे अगला सवाल, कोई लोग खाने पीने का कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं, कैफे खोलना चाह रहे हैं, रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं, होटल खोलना चाह रहे हैं, तो कौन से ग्रह इसमें देखे जाने चाहिए और क्या उपाय इसमें किए जा सकते हैं? खाने पीने का जो कार्य होता है बेटा, वो सबसे बेस्ट होता है मंगल और शुक्र के कॉम्बिनेशन से। सातवें घर के अंदर मंगल अगर बैठा हुआ हो तो ये इंसान को बहुत ही अच्छा खाने पीने के काम करने वाला बनाता है, ठीक है, इवेंट ऑर्गेनाइजर भी बनाता है, ठीक है, और हलवाई भी बनाता है। तो ऐसी अवस्था में आपको एक ग्रह नहीं, दो ग्रह देखने हैं, ठीक है। और इस धरती पर अगर मंगल और शुक्र से मिश्रित अगर कोई फल है तो वो है अनार, ठीक है। वैसे बुध भी उसमें फूल जब आते हैं तो तब बुध भी होता है, लेकिन अनार का जो एक पूरा स्वरूप है वो शुक्र का स्वरूप है। तो ऐसी अवस्था के अंदर जिन लोगों ने खाने पीने का काम करना है ठान लिया, लेकिन ग्रहों में योग भी नहीं है और वो चाहते भी नहीं कि इसमें लॉस हो जाए, क्योंकि वो मान लगा चुके हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाने पीने का काम कर चुके हैं लेकिन उनका काम चल नहीं रहा, ऐसे लोगों को हर रोज एक अनार मंदिर के अंदर चढ़ाना चाहिए, और हो सके तो कुछ मंदिरों के अंदर जा कर के अनार का पेड़ भी लगा देना चाहिए और स्वयं उसकी देखभाल करके उसको बड़ा भी करना चाहिए। इसके अलावा जिनका खाने पीने का काम हो चुका है, अगर वहाँ पर आप अगर कोई एम्प्लॉई रखने वाले हैं तो जो नई ब्याहता लड़की कोई हो उसको अगर आप कैश काउंटर के ऊपर रखते हैं, या आपके घर के ही कोई बहू हो समय के, वो उसको अगर आप कैश काउंटर पर बैठाते हैं तो खाने पीने का काम बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि हम उसको शुक्र के रूप में देखते हैं और शुक्र और मंगल का मेल आपस में बहुत शुभ होता है, ये दोनों मिलकर चंद्रमा यानी कि लक्ष्मी बनते हैं। तो ये साइंस है बेटा, इस हिसाब से आप करके देखिए, आपको खाने पीने के काम में बहुत लाभ होगा। गुरुदेव, मेरा आपसे अगला सवाल, कुछ लोग होते हैं जो महिलाओं से जुड़ा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कहते हैं कि ये सबसे कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा लाभ देने वाला कारोबार है, तो ऐसे में कौन से ग्रह देखे जाते हैं और क्या उपाय किए जा सकते हैं? नहीं, इसके अंदर एक और कहावत भी आती थी, पुराने समय में कहा जाता था कि महिलाओं के समान का काम करने वाला कभी भूखा नहीं मरता। जी, तो इसके अंदर ये भी आता है, बच्चों की बात हो या औरतों के श्रृंगार की बात हो, उनके सजने संवरने की बात हो, चाहे जूते से लेकर के पहरावे तक और चाहे मेकअप आर्टिस्ट से लेकर के कहीं तक, इन सब के अंदर काम आता है केतु। और जो शुक्र के अंदर का एक पार्ट है, वैसे आप शुक्र बोल देते हैं, सजातर ज्योतिषी शुक्र बोलते हैं, लेकिन शुक्र के अंदर का पार्ट केतु काम आता है। जिनका केतु बहुत बहुत बेस्ट होता है वो लग्जरीज के काम करते हैं, बच्चों के खिलौनों का काम करते हैं, औरतों के संबंधित सामान के काम करते हैं, समझे, ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है। और केतु को शुभ करना तो बहुत ही आसान है, नहीं? अगर इस तरह के आप काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आपको सबसे पहले तो कुत्ता पालना चाहिए। कुत्ता अगर नहीं पाल सकते तो रोज बाहर कुत्तों की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। इसके बाद आपने देखा होगा कि गांव से शहर से लोग निकलते हाथ में झंडा पकड़ के किसी तीर्थ यात्रा के लिए, और वो झंडा कैसा लगा होता है, लाल झंडा तिकोना गोटा किनारी वाला, है ना, ये केतु मंगल बृहस्पति की पक्की वस्तु होता है जिसके चलते हुए इससे शुभ केतु बनता है। और जो भी इस तरह की औरतों के इस्तेमाल से संबंधित सामान के काम करते हैं, अगर वो लाल झंडा तिकोना बृहस्पतिवार के दिन मंदिर की छत पे लगाते हैं, उनके काम का डंका दूर दूर तक बजता है और वो काम के अंदर पूरी तरह कामयाब होते हैं। तो बृहस्पतिवार के दिन लाल झंडा तिकोना मंदिर की छत पे लगाइए गोटा किनारी वाला, और अपने काम को खूब चलाइए। गुरुदेव, आप बता ही दीजिए, जो जमीन ठेकेदारी का काम शुरू करना चाहते हैं उनके कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं और उनको क्या उपाय करने चाहिए? मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, तुमने कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करी है, जमीनी ठेकेदारी के बारे में, रोड बनाने के बारे में इनकी बात करी है। बेटा, इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि पहले क्या नहीं करना चाहिए। एक हर चीज़ की ना एक चाल आती है, जैसे मोबाइल आया तो मोबाइल छा गया, है ना, और स्टाइल आता है तो स्टाइल छा जाता है। इसी प्रकार से पिछले 30 साल के अंदर जो छाया है वो है शनि देव की पूजा, शनि मंदिर।
लेकिन जितने भी लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और सक्सेसफुल इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी लोग बिल्डर हैं और सक्सेसफुल बिल्डर हैं, और जितने भी ठेकेदार हैं और सक्सेसफुल ठेकेदार हैं, बेटा जरा शनि देव पे तेल चढ़ा के देखिए, सारा काम धंधा बंद और ठप हो जाएगा, कर्जे चढ़ जाएंगे। इसीलिए मैं ये बताना चाहता था कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, मजदूरों से काम करवाने वाला है, बिल्डर है, ठेकेदार है, इन लोगों को भूल के भी शनिदेव मंदिर में जा करके इनको दान नहीं, सरसों का तेल का दान, उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, बिल्कुल दान नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इन लोगों को उल्टा शनिवार की सुबह को तारों की छाव में अपने शरीर पर सरसों के तेल की मालिश करके एक आध घंटे के बाद गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए, ये इनके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर वो भी नहीं करना चाहते, शनिवार के दिन कोई भी भैंसा हो, भैंसे के शरीर पर सरसों के तेल की मालिश आपके काम काज को कई गुना आगे बढ़ाएगी। और जितना आप खाना पीना कुत्ते और कौओं को देंगे और डेली उनके बीच में 10, 15, 20 मिनट आधा घंटा बैठ के उनको खिलाएंगे, आपका धंधा, आपका ये काम उतना ही ज़्यादा सर्वाइव करेगा। और इसके अलावा आप भोलेनाथ की पूजा, कारण ये कहते हैं जो शनि का फल हो वो चंद्रमा देता है और चंद्रमा का फल शनि देता है, तो ऐसी अवस्था में बुजुर्ग आश्रम में, ध्यान रखें, बुजुर्ग आश्रम के अंदर चावल, मिश्री, चीनी वगैरह दे करके पांवा लगा के आशीर्वाद लेना, ये इस चीज़ को बहुत फैलाता है। भोलेनाथ का अभिषेक, शिवलिंग अभिषेक, ये इस काम को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। और मंदिर के अंदर खोई की मिठाई चढ़ा करके उसका वितरण करना इस काम को बहुत 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 बढ़ाता है। तो ये सारे कार्य करना, कुत्ते कौओं की सेवा करना, चाचा ताऊ के साथ बना करके रखना, मजदूरों को खुश करना, ये अपनी तरफ है। लेकिन अगर आपने उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा शनिदेव मंदिर में चढ़ाया तो आप अपने सामने अपने कामकाज को खराब होते हुए देखेंगे। तो परहेज रखें और जो मैंने पॉजिटिवली कार्य कहे वो करें और अपने कामकाज को खूब बढ़ाएं। बिल्कुल गुरुदेव, परहेज रखना बहुत जरूरी है। तो अगला मेरा सवाल है आपसे, कोई इलेक्ट्रॉनिक का कारोबार शुरू करना चाह रहा है तो ऐसे में क्या परहेज रखें, क्या कौन से ग्रह देखें और क्या उपाय करें? इलेक्ट्रॉनिक का काम काज अगर करना हो तो परहेज की जरूरत नहीं है, कारण ये है कि ये राहु का काम है, इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इसके लिए आपको राहु को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। और राहु को अच्छा रखने के लिए माँ सरस्वती वंदन, माँ सरस्वती पूजन सबसे उत्तम है। तो इसीलिए सरस्वती मैया की जो भी पूजा स्थापना हो सकती है, जो भी इनके यंत्रों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वो आपको जरूर दर जरूर करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी धंधा करते हैं बेटा, उनको अपनी आंखों पे काले रंग का चश्मा यानी कि गॉगल्स का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। और नीले रंग की कांच की गोलियां शो पीस के रूप में मिलती हैं, उनको अपने यहाँ स्थापित करना चाहिए कहीं पर भी, ठीक है। ये अपने शोरूम के अंदर स्थापित करिए और राहु अच्छा फल देने लगेंगे। और नीले रंग के फूल बहुत प्रकार के मिलते हैं, कई तरह के होते हैं, उनकी माला बना के माँ सरस्वती को अर्पण करें। आपका इलेक्ट्रिकल्स का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, आपका धंधा खूब फलेगा फूलेगा और एक चांदी का चकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखें। गुरुदेव, मेरा आपसे अगला सवाल, कोई शिक्षा से जुड़ा कारोबार, लाइक किताबें, पेंसिल, बुक, स्टेशनरी का कारोबार शुरू करना चाह रहा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उस इंसान को कबूतर पालने नहीं चाहिए, लेकिन कबूतरों को, पक्षियों को खाना जरूर खिलाना चाहिए। ये बुद्ध से संबंधित कॉपी, पेंसिल, स्टेशनरी, जितने भी काम है, प्रिंटिंग के काम, ये सब बुद्ध से संबंधित है। और ऐसी अवस्था के अंदर आर्मी, ये नरम दिल और बिजनेसमैन लोग होते हैं और अच्छे होते हैं, बोलबानी इनकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ऐसी अवस्था के अंदर अगर कहीं ये श्रद्धावश, समझिए ना, बहुत ज़्यादा दान पुण्य में उतर जाएं, बहुत ज़्यादा भक्ति में उतर जाएं, गुरुओं की भक्ति, भगवान की भक्ति, मालाएं लेकर के जपना, मालाएं गले में पहनना, कई लोगों को शौक होता है, वो रुद्राक्ष की माला सोने में जड़वा के पहन लेते हैं, ऐसे लोगों का अगर इस तरह का काम है जिसके अंदर वो राज भी करते आए हैं, उसके बाद उनका राजपाठ सब चौपट हो जाता है। तो
स्टेशनरी का काम करने वाले इंसान को तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, किसी भी प्रकार के मोतियों की माला बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए। ऐसे लोगों को उपले जला करके भगवान के नाम पर अपने घर के अंदर धूनी दुखा करके उसकी राख इकट्ठी करके नहीं रखनी चाहिए। उदी, चाहे वो उदी हो चाहे वो भस्म हो, किसी भी देवी देवता गुरु की लाकर के घर में रखना इनके काम को खत्म करता है। तो इसीलिए इन लोगों को किसी भी प्रकार की भभूति राख का प्रयोग नहीं करना चाहिए, गले के अंदर मालाएं नहीं धारण करनी चाहिए, सोना चांदी ये जितना मर्जी पहन सकते हैं। इन लोगों को उल्टा करना क्या चाहिए, इन लोगों को तोते को खुश करना चाहिए, पक्षियों कबूतरों को खुश करना चाहिए, उनके खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए, और लेकिन सब कुछ घर से बाहर, घर की छत पे या अपनी बालकनियों में बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो घर से बाहर आप पक्षियों को दाना डालें, उनको खुश करें, उनकी ऊर्जा लेकर के आए, आपको मालोमाल होंगे। और आप भभूतियाँ लेकर के आए, ज्ञान की चर्चा लेके आए, सुबह शाम आप प्रवचन सुने, तो स्टेशनरी का काम ये डूब जाएगा, क्योंकि बुध और बृहस्पति दोनों आपस में दुश्मन हैं, और ये जब जुड़ते हैं तो खाली बुध पैदा होता है, और खाली बुध में धंधा नहीं होता। ठीक है, इसीलिए स्टेशनरी के काम करने वालों को बहुत ज़्यादा गुरुओं के प्रवचन से, मालाओं से, भभूतियों से इनसे बचना चाहिए, तभी ये अच्छा जीवन जी पाए। गुरुदेव, तो मैं ये पूछना चाह रही थी, जो ग्रोसरीज का काम करते हैं, जिनकी छोटी छोटी दुकानें या परचून की दुकानें, तो इसके लिए कौन से ग्रह देखे जाते हैं? इसके लिए राजा साहब देखे जाते हैं, कहने का मतलब सूर्यदेव, ठीक है ना। और सूर्यदेव ये ग्रोसरी का काम करवाते हैं, जिसमें सब प्रकार के अनाज, सब तरह की चीज़ें मिक्स होती है, जैसे हमारे शरीर के अंदर सब कुछ अच्छा भी है, बुरे वाला भी है, तो इसी प्रकार से ग्रोसरी का पूरा काम सूर्य से देखा जाता है। और सूर्य को खुश करना तो सबसे आसान है, अगर करना चाहे कोई तो एक छोटा सा मंत्र, ओम सूर्याय नमः, सिंपल। और सबसे बढ़िया, ग्रोसरी का काम करने वाले तो वैसे ही सुबह सवेरे उठते हैं, समझे, बस इतना करना है कि सुबह सवेरे उठते नहा के दुकान पर जाए, और जैसे ही सूर्य उदय होने लगे तो आप थोड़ी सी शक्कर या थोड़ा सा गेरू मिट्टी, थोड़ी सी ये पानी के लोटे में मिला करके अगर आप सूर्य को जल चढ़ा दें, उगते हुए सूर्य को, और ये खास ख्याल रखें कि जैसे निशाना लगाते ना बिल्कुल सेंटर में, इसी प्रकार से इस तरह से होना चाहिए कि सूर्य जितना फैला हुआ नजर आ रहा है उसके बिल्कुल मध्य को आप टारगेट करके और सर से ऊपर करके जल कराएं, ताकि इस पानी में से निकलने वाली जो सातों तरंगे हैं वो आपकी आंखें, आपके चेहरे पे ये पूरी तरह से पड़े, आपके शरीर पर पूरी तरह पड़े, और ऐसी अवस्था में आपको वो ऊर्जा मिलेगी जो आपने कभी भी, और हजारों तरह के विटामिन खा के भी जो ऊर्जा ना मिले, ये सूर्य के जल चढ़ाने से मिलती है। क्योंकि वो जो तीर बन के वो जो रोशनी आपके शरीर के अंदर समाती है ना, वो वाकई में अंदर उतर जाती है और आपकी क्षमताओं को बहुत बढ़ाती है, काम करने की ताकत को बढ़ाती है। अगर आप सबसे बिजी काम की अगर तुलना की जाए तो खाने पीने के काम सबसे बिजी काम है, और दूसरा ग्रोसरी का धंधा करने वाले सुबह 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक बिजी होते हैं, सबसे मेहनती लोग हैं। और ये सच बात है, ये सूर्य ही इतनी बड़ी ताकत दे सकता है, तो इन लोगों को सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। अगर आप भी जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली बात करना चाहते हैं तो हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 999-999-0522। आप भी सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का अंत हो जाए, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ के साथ। देखना ना भूले एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।